हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल्स सर्विसेज में। आज है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यदि आप वर्ल्ड एंड नेशनल करेंट अफेयर्स की PDF परचेस करना चाहते हो तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 7566836900 पर आप जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक PDF परचेस कर सकते हो, जिसके लिए हमने प्राइस रखा है ओनली 69 रुपीज़। 69 रुपीज़ में दोस्तों आपको जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक सारे करेंट अफेयर्स के PDF उपलब्ध कराए जाएंगे। और दोस्तों, ये ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने MCQ फॉर्म में क्वेश्चन तैयार किए, उसके बाद हमने दोस्तों जो राइट आंसर है, मतलब जो करेक्ट आंसर है, उसको भी टिक किया है, उसके बाद उसकी हमने डिटेल बताई है। तो दोस्तों एक बार जरूर व्हाट्सएप करिए 7566836900 पर, जहाँ पे दोस्तों हम आपको PDF उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही दोस्तों, एक और PDF हमने तैयार की है जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक के करेंट अफेयर्स की। यहाँ पे भी दोस्तों हमने ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए भी आपको मोबाइल नंबर 7566836900 पर 21 रुपीज़ फ़ोनपे या गूगल पे करना होगा, जिसका स्क्रीनशॉट आपको 7566836900 पर ही शेयर करना है। उसके तुरंत बाद दोस्तों हमारी जो व्हाट्सएप टीम है, यह आपसे संपर्क करेगी और आपको PDF उपलब्ध करवाएगी। और अब दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसकी। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बनेंगे। दोस्तों यह बनने वाले हैं मनोज पांडे, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये दोस्तों जनरल मनोज पांडे, जो कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मनोज पांडे यह किसका स्थान लेने वाले हैं, तो MM मतलब मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लेंगे। साथ ही दोस्तों, अप्रैल 1895 को की गई थी। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2, मनोज पांडे। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं के रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल किस राज्य में मनाया गया है। दोस्तों इसे मनाया गया है झारखंड राज्य में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व टेबल टेनिस दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया है और इसको पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। तो दोस्तों याद रखना आपको कि यह पहली बार मनाया गया था 6 अप्रैल 2015 को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्विटर के बोर्ड मेंबर कौन बन गए हैं। दोस्तों यह बने हैं एलन मस्क। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब से शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 8 अप्रैल 2015 से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की जो अध्यक्षता है वह किसने की है। इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, देश को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह प्रस्ताव पारित किया दोस्तों रूस को हटाने का। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और रिविजन का लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है। तो इसे शुरू किया दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर मिशन का जो मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों ये जो सेमीकंडक्टर मिशन है इसका मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष बन गए हैं अश्नवी वैष्णव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है अश्नवी वैष्णव। दोस्तों केंद्र सरकार ने सेमिकॉन इंडिया सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है, जिसमें दोस्तों अश्नवी वैष्णव को समिति के अध्यक्ष के रूप में और राज्य मंत्री राजू चंद्रशेखर को समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम देश के सेमीकंडक्टर को मजबूत करने और विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से गठित किया जाएगा। तो याद रखना आपको कि सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो यह अश्नवी वैष्णव बने हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यह बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है डॉक्टर मनोज सोनी जिन्हें यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी ने प्रदीप जोशी का स्थान लिया है। और ये जो डॉक्टर मनोज सोनी है यह दोस्तों अब नए अध्यक्ष होंगे किसके, तो यूपीएससी के। बात करें यहाँ पे हम यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। और अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो यह डॉक्टर मनोज सोनी बन गए हैं। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है यूपीएससी से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेत का मकबरा हिंदी का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है इसके लिए जिसे शॉर्ट किया है उस उपन्यास का नाम है रेत का मकबरा। और इसे किसने लिखा है, तो गीतांजलि श्री ने लिखा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है गीतांजलि श्री। दोस्तों रेत का मकबरा गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। इसे दोस्तों अन्य 5 पुस्तकों के साथ शॉर्टलिस्ट किया है। टॉम्ब ऑफ रेड ब्रिटेन में प्रकाशित होने वाली गीतांजलि श्री की पहली पुस्तक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन टू। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व होम्योपैथी दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों यहाँ मनाया गया है 10 अप्रैल को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। तो दोस्तों वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस होम्योपैथी के संस्थापक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है किसके मतलब ये जो होम्योपैथी दिवस है यह दोस्तों होम्योपैथी के संस्थापक उन्हीं का नाम है जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के अवसर पर इस दिवस को मनाया जाता है। बात करें यहाँ पे हम दोस्तों वर्ष 2022 की थीम की, तो यह दोस्तों होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। याद रखना ये क्या है, तो पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस इस वर्ष की थीम है। तो करेक्ट आंसर हो गया कि 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस 2022 मनाया गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किसे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। यह चुना है दोस्तों शहबाज शरीफ को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है शहबाज शरीफ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता जाने के बाद शहबाज शरीफ को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। पीटीआई के सभी सांसदों के नेशनल असेंबली से इस्तीफा देने के बाद साहिरा बानो को दोस्तों पाकिस्तान में विपक्ष की नेता चुना गया है। साथ ही शहबाज शरीफ को दोस्तों पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन थर्ड शहबाज शरीफ, जो कि अब पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हो गए। और दोस्तों इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इमरान खान का। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अवसर नामक योजना को शुरू किया है। भारतीय विमानपतन प्राधिकरण ने, याद रखना आपको कि अवसर नामक योजना को किसने शुरू किया दोस्तों, तो भारतीय विमानपतन प्राधिकरण ने। दोस्तों भारतीय विमानपतन प्राधिकरण ने महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए अवसर नामक योजना की शुरुआत की है। अवसर दोस्तों एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिजेंस ऑफ द रीजन मतलब क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा। दोस्तों उद्देश्य है कि भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण अवसर योजना के माध्यम से स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह को एक एक कर 15 दिनों की अवधि के लिए मंच प्रदान करेगा। तो याद रखना आपको करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन फोर भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण की। इसकी जो स्थापना है दोस्तों 1 अप्रैल 1995 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुख्यालय दोस्तों वह नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह संजीव कुमार है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि केतन जी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। तो यहाँ बनी है दोस्तों यूएसए की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर। और आप देख सकते हो ये है केतन जी ब्राउन जैक्सन। दोस्तों याद रखना आपको कि केतन जी ब्राउन जैक्सन यूएसए देश की सुप्रीम कोर्ट की
पहली अश्वेत महिला बन गई है। दोस्तों सीनेट ने केतन जी ब्राउन जैक्सन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, जिससे दोस्तों वह देश की सर्वोच्च अदालत में सेवा देने वाली 116वीं और पहली अश्वेत महिला बन गई है। जैक्सन को दोस्तों फरवरी में राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामित किया गया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 अमेरिका। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं को 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना की शुरुआत की है। इसमें दोस्तों तीनों सेनाओं के लिए युवाओं की जो भर्ती है वह 3 से 5 साल के लिए की जाएगी। नियुक्ति पाने वाले युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा और इसके माध्यम से दोस्तों चयनित उम्मीदवार को आतंकवाद विरोधी अभियान, खुफिया जानकारी जुटाने और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में काम करने का मौका भी मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए दोस्तों अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना की शुरुआत की है। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के डेली जी के तड़का डोज 55 की। यहाँ पे हम दोस्तों ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि हम बात करें SSC के एग्जाम हो गए, RRB ग्रुप डी के एग्जाम हो गए दोस्तों, और NTPC के, और सभी स्टेट के एग्जाम, जिन सभी एग्जाम में दोस्तों GK के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह सभी में हेल्प करेगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि पायरिया बीमारी शरीर के किस अंग में होता है। तो दोस्तों ये जो पायरिया होता है यह दांत में होता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखना आपको कि दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है दोस्तों गोदावरी। क्या नाम है उस नदी का? गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये आर्टिकल नंबर है दोस्तों 343 के तहत राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद का जो संबंध है वह किस खेल से है। तो इनका संबंध था हॉकी से। करेक्ट आंसर है यहाँ पे हॉकी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हॉकी का जो जादूगर है वह किसे कहा जाता है। तो यह दोस्तों मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है दोस्तों वह अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस वंश में हुआ था। तो दोस्तों ये जो एलिफेंटा गुफा है इसका निर्माण हुआ था राष्ट्रकूट वंश में। अगला क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है। कार्ल लिनियस है, याद रखना कौन है, तो यह कार्ल लिनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखना आपको कि भारत के जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। याद रखना क्या नाम है दोस्तों, तो नीलम संजीव रेड्डी है। और आज का डेली जीके तड़का डोज का लास्ट डोज है कि गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों एशिया महाद्वीप में, और कौन से देश में स्थित है, तो मंगोलिया देश में स्थित है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में, और कौन से देश में, तो मंगोलिया देश में। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।